हरनिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इहदे विच क्या हुंदा है कि अपने शरीर के किसी भाग में जिथे कुछ एरिया अगर कमज़ोर हो जाए तो एक बल्ज, जिवें एक फुलावट कह सकते हैं, एक बल्ज आ जाता है। उसमें क्या होता है कि पेट के अंदर की इंटेस्टाइन या आंतड़ियाँ जो होती हैं या चर्बी होती है वो अंदर से वीक एरिया से बाहर आके स्किन के थल्ले आ जाती है और फुलावट की तरह होती है, उन्हें हरनिया कहते हैं। सबसे कॉमन जो हर्निया है वो हमारे पेट के जो सबसे लोअर पार्ट जो ग्रोइन कहते हैं, ग्रोइन कहते हैं, उसमें हर्निया को इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, वो सबसे कॉमन हर्निया है। उसके बाद धुन्नी में या बेली बटन या अम्बिलिकस कहें उस पर जो हर्निया होता है उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है वो है जहाँ अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो तो वहाँ पर कमजोरी हो जाती है उस पार्ट में, तो उसमें एक हर्निया बन सकता है, उसको इंसिशनल हर्निया कहते हैं। ये कॉमन कैसे है हर्निया, अगर बात करें तो इतना कॉमन क्यों लोगों में पाया जाता है? हर्निया एक सबसे वन ऑफ द सबसे कॉमन सर्जरी है। एक डेटा के हिसाब से जो सबसे कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म होता है दुनिया में वो हर्निया ऑपरेशन का रिपेयर है। ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 15% और 15% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को हर्निया होता है, और किसी भी मेल पेशेंट को, पुरुष को, मेल को अपने लाइफ टाइम में 27% चांस होते हैं कि हर्निया हो सकता है। कॉजेस क्या होंगे, इसके कारण क्या होता है हर्निया? एक तो सबसे कॉमन जो कारण होता है वो जमांधरू या पैदाइशी हमारे बॉडी में कहीं वीक एरियाज होते हैं वहाँ पर हर्निया निकल सकता है, जिसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, जैसे बार बार खांसी आ रही हो, दमे का मरीज शिकायती हो, टीबी का मरीज हो, खांसी का मरीज हो, या उसको कब्ज रहती हो, पेशाब में जोर लगाता हो बार बार, या भारी वजन उठाता हो, या उसका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी हो या प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा एक बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैसेज देना चाहूँगा, स्मोकिंग से भी हर्निया बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको हर्निया लगे, अगर आपके कभी भी किसी बॉडी पार्ट में लगे कुछ फुलावट हो रही है जो कि खड़े होने से या खांसने से या जोर लगाने से, जोर से हंसने से वो बड़ी हो जाती है, लेटने से कम हो जाती है, तो हर्निया का शक करें, तुरंत जाके किसी डॉक्टर, सर्जन या हर्निया स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी डायग्नोसिस कन्फर्म करें। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो ध्यान टाइम्स, ते मैं हाँ हर्ष कौर। हर्निया एक इहो जी बीमारी आ जो कि काफ़ी कॉमन हो चुकी है, पर इसके बारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसके बारे ही साडे नाल गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर अतुल मिश्रा जो कि सीनियर सर्जन ने, ते नाल ही प्रोफेसर ने DMC दे, तां उन्हां नाल गलबात करदे आं। ते नाल ही तुहानूं दस दईए कि हर्निया दे जे स्पैशलिस्ट ने तां इन्हां नाल गलबात करदे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। सब तो पहला ये हर्निया है की चीज़? हर्निया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इहदे विच क्या हुंदा है कि अपने शरीर के किसी भाग में जिथे कुछ एरिया अगर कमज़ोर हो जाए तो एक बल्ज, जिवें एक फुलावट कह सकते हैं, एक बल्ज आ जाता है। उसमें क्या होता है कि पेट के अंदर की इंटेस्टाइन या आंतड़ियाँ जो होती हैं या चर्बी होती है वो अंदर से वीक एरिया से बाहर आके स्किन के थल्ले आ जाती है और फुलावट की तरह होती है, उन्हें हर्निया कहते हैं। सर, इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, जैसे कि आप बताओगे? हाँ, हर्निया के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे कॉमन जो हर्निया है वो हमारे पेट के जो सबसे लोअर पार्ट जो ग्रोइन कहते हैं, ग्रोइन कहते हैं, उसमें हर्निया को इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, वो सबसे कॉमन हर्निया है। उसके बाद धुन्नी में या बेली बटन या अम्बिलिकस कहें उस पर जो हर्निया होता है उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है वो है जहाँ अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो तो वहाँ पर कमजोरी हो जाती है उस पार्ट में, तो उसमें एक हर्निया बन सकता है, उसको इंसिशनल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा और रेयर टाइप के, कॉमन यही तीन टाइप के हर्निया है। ये कॉमन कैसे है हर्निया, अगर बात करें तो इतना कॉमन क्यों लोगों में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर्निया एक सबसे वन ऑफ द सबसे कॉमन सर्जरी है। एक डेटा के हिसाब से जो सबसे कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म होता है दुनिया में वो हर्निया ऑपरेशन का रिपेयर है। इसमें इंग्वाइनल हर्निया सबसे कॉमन है, और ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 15% और 15% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को हर्निया होता है, और किसी भी मेल पेशेंट को, पुरुष को, मेल को अपने लाइफ टाइम में 27% चांस होते हैं कि हर्निया हो सकता है, और ये मेल में ज़्यादा कॉमन होता है और इंग्वाइनल हर्निया बहुत कॉमन होता है। जी, तो सर कॉजेस क्या होंगे, इसके कारण क्या होता है? हर्निया एक तो सबसे कॉमन जो कारण होता है वो जमांधरू या पैदाइशी हमारे बॉडी में कहीं वीक एरियाज होते हैं वहाँ पर हर्निया निकल सकता है, जिसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा हर्निया हमेशा अंदर से चीज़ें बाहर निकलती हैं पेट से, तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, जैसे बार बार खांसी आ रही हो, दमे का मरीज शिकायती हो, टीबी का मरीज हो, खांसी का मरीज हो, या उसको कब्ज रहती हो, पेशाब में जोर लगाता हो बार बार, या भारी वजन उठाता हो, या उसका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी हो या प्रेगनेंसी हो,
इसके अलावा एक बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैसेज देना चाहूँगा, स्मोकिंग से भी हर्निया बहुत कॉमन है और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग से भी हर्निया बहुत कॉमन है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी हो गई और अगर कोई ऑपरेशन हुआ है हमारा तो वो एरिया वीक हो जाता है तो वहाँ पर हर्निया बन सकता है। तो सर जो हर्निया है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा होता है? प्रेग्नेंट लेडी में हर्निया ज़्यादा नहीं होता है, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये लेना है कि जनरली प्रेगनेंसी में हम कोई भी ऑपरेशन अवॉइड करते हैं, बिकॉज दवाइयाँ देंगे ऑपरेशन करेंगे तो बच्चे पे उसका असर आएगा। तो ज़्यादातर हर्निया अगर प्रेगनेंसी में होता है तो हम लोग वेट करते हैं और डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद ऑपरेशन करते हैं, बट ऐसे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हर्निया का ऑपरेशन प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है। हर्निया से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? तकरीबन हर्निया एक एसिम्प्टोमेटिक बिना किसी शिकायत की कंडीशन स्टार्ट में होती है। बस शुरू शुरू में पेशेंट को एक फुलावट, एक बल्ज दिखता है जो कपड़े के ऊपर से उभार की तरह दिख सकता है। किसी किसी को भारीपन या ड्रैगिंग एक या हल्का सा डल एक लग फील होता है। धीरे धीरे इसका साइज़ बड़ा होता है तब ये हमें प्रॉब्लम करता है रोज़मर्रा की डेली एक्टिविटीज़ में, कार्डियो एक्टिविटीज़ में, ट्रेडमिल करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, उसमें ये एक बाधा लेके आता है। और बाद में सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या है, अगर हर्निया में कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अचानक से दर्द उठता है, वो बहुत सीरियस चीज़ होती है। कॉम्प्लिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, उसके आउटकम बहुत सीरियस होते हैं। इसके ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं लोग अपने? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको हर्निया लगे, अगर आपके कभी भी किसी बॉडी पार्ट में लगे कुछ फुलावट हो रही है जो कि खड़े होने से या खांसने से या जोर लगाने से, जोर से हंसने से वो बड़ी हो जाती है, लेटने से कम हो जाती है, तो हर्निया का शक करें। तुरंत जाके किसी डॉक्टर, सर्जन या हर्निया स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी डायग्नोसिस कन्फर्म करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कॉमनली एज ए सर्जन देखते हैं कि लोग अपनी बीमारी को निग्लेक्ट करते हैं, बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, मरीज का खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो आप हर्निया का अगर टाइमली इलाज नहीं कराएंगे तो हर्निया कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी जिसके कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं और खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हर्निया आपको शक हो आप डायग्नोस कराओ और जाके आप इसका ट्रीटमेंट कराओ। इसका एक ही ट्रीटमेंट है ऑपरेशन, ऑपरेशन से ठीक होता है, आप सर्जन से मिलोगे वो ऑपरेशन करेगा। अगर आप टाइम पे जाओगे तो आपका हर्निया का ऑपरेशन दूरबीन की विधि से, इसको की होल सर्जरी कहते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, इसमें छोटे छोटे चीरे लगा के एक दूरबीन डाल के एक बारीक औजारों से हम बढ़िया ऑपरेशन करके जाली डाल देते हैं, मरीज को दर्द भी कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है। सर अगर दूरबीन अगर यूज़ कर दें तो सक्सेस रेट कितना होगा? आजकल अगर पेशेंट का कॉम्प्लिकेटेड हर्निया नहीं है तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर या दूरबीन की विधि का सक्सेस रेट चीरे के हर्निया से ज़्यादा है, इसका ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट है, केस टू केस डिपेंड करता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, मरीज का चीरा छोटा लगता है तो पेन कम होता है, मरीज के ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन कम होता है, निशान छोटे होते हैं, कॉस्मेटिक निशान होते हैं, बड़ा गंदा निशान दिखता नहीं है, पेशेंट छुट्टी जल्दी होती है अस्पताल से, घर जल्दी जाता है, काम पर वापस जल्दी जाता है। और एक हर्निया की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन के बाद हर्निया दोबारा बनता है, इसको रिकरेंस कहते हैं। दूरबीन की विधि से अब ये हमें पाया गया है कि रिकरेंस भी कम होता है एज कंपेयर टू चीरे वाला ऑपरेशन। सर जिमें कि तुसी क्या 15% रिजल्ट च ये पाया जाता हर्निया, कि बेबीज भी एक हो सकता हर्निया की प्रॉब्लम? BPH, यस हाँ, BPH प्रोस्टेट अगर गदूद किसी का बड़ा हो तो पेशाब के लिए जोर लगाते हैं, एल्डरली पेशेंट होते हैं उनको हर्निया बहुत कॉमन होता है। काफ़ी कॉमनली BPH के पेशेंट को हम हर्निया के साथ देखते हैं जिसमें कि पहले BPH का इलाज करके फिर हर्निया का ऑपरेशन करना चाहिए। और सर बेबीज अगर गल करिए, बेबीज़ में हाँ बिल्कुल, अगर बेबीज़ अगर समय से पहले अगर कोई बेबी पैदा हो जाए जिसको प्री मेच्योर बेबी कहते हैं तो उनमें धुन्नी के पास अम्बिलिकस पे एक कमज़ोर एरिया रहता है, अम्बिलिकल हर्निया बहुत कॉमन है। ज़्यादातर हर्निया में कुछ नहीं करना होता है, बेबीज़ को खाली वॉच करना होता है, 1 से 2 साल की एज में ये हर्निया अपने आप ठीक हो जाता है। अगर 5 साल की उम्र तक बेबी का हर्निया नहीं ठीक हुआ तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। और सर गल करिए जिन्होंने हर्निया की प्रॉब्लम आ स्टार्टिंग आ जिन्हों का, उन्होंने खाना नाल डाइट नाल की ये चीज़ ठीक हो सकती है कि नहीं? नहीं हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक तो ये है कि डाइट से या किसी ऐसी नॉन सर्जिकल तरीके से हर्निया ठीक नहीं हो सकता, हर्निया का एक ही इलाज है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। काफ़ी लोग आते हैं कि होम्योपैथिक दवाई खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, बट हर्निया का कोई इलाज नहीं है। बट हर्निया के पेशेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरी हिदायतें हैं, ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं कि आपको हर्निया हो गया है या हर्निया का ऑपरेशन हुआ है तो आपको आइडियली
फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, जोर ना लगाना पड़े। आपको अपना वेट नॉर्मल रखना चाहिए, ओवरवेट ना होए, जोर वाला काम, भारी वजन या जोर वाला काम ना करें, और स्मोकिंग ना करें, और कोशिश करें कि जब तक हर्निया का ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बेंड होकर काम करना या टाइट कपड़े पहनना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना अवॉइड करना चाहिए। और एक बार हर्निया का ऑपरेशन हो गया तो 2-3 हफ्ते प्रिकॉशन के बाद इन चीज़ों को आप वापस कर सकते हो। और सर लास्ट तो की मैसेज देना चाहूँगे? मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको अगर ज़रा भी शक है कि हर्निया का आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाके आपके पास जो भी सर्जन या हर्निया स्पेशलिस्ट हैं उनको जाके डायग्नोसिस कंफर्म कराएं और उसका टाइम पे इलाज कराएं। इस बीमारी में टाइम के इलाज करने के बहुत फ़ायदे हैं, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसमें सेप्टिक हो गया, गैंग्रीन हो गया, तो बहुत सीरियस है, इसमें आप जान भी गंवा सकते हो और पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। तो टाइमली ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर अ हर्निया पेशेंट। जिमें कि तुम सारे ने सुनिया, हर्निया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे, दवाइया खाते हैं, पर सर वालों एक काफ़ी वधिया चीज़ दसी गई है जेडे पिछे लोगों लगना चाहिए कि कोई भी दवाई ना खाओ, क्योंकि यदा इलाज सिर्फ ऑपरेशन या अगर तुम कोई भी होम्योपैथिक दूजी दवाई खाने उस इलाज नहीं होना। तो बहुत सारे इन्होंने पर प्रीकॉशनस भी दसे गए हैं जो कि थोड़ू लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जिस नोड़े जो हर्निया की प्रॉब्लम आ वो ठीक हो सकेगी। होर वधेरे अपडेट से देखते हो ध्यान टाइम्स। मैं हर्ष कर कैमरामैन दीपक नाथ।